मेरा नाम नटवलाल गुप्ता है, मैं खंडवा से आया हूँ। यहाँ आने का मकसद, मुझे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम और थोड़ा डायबिटीज़ भी है और पेट का बड़ा और वेट बढ़ रहा है। इसके लिए मेरे को हमारी धर्मपत्नी ने बोला कि ये एक प्रकार का एक चिकित्सा है, प्राकृतिक चिकित्सा, जो कि नज़दीक अपने बुरहानपुर के पास ही है, तो क्यों ना अपन वहाँ पर जा कर के अपना इस टाइप का जो बीमारी का वो कम से कम ये लगे कि हम इसको दूर कर सकें या का वहाँ का अनुभव तो ले सकें। यहाँ हम लोग पहुँचे और जैसे पहुँचने के बाद में ये शिविर हमने ज्वाइन किया। शिविर ज्वाइन करने के बाद में पहले दिन तो हम लोगों को जो भी यहाँ पर मतलब सचिन सर ने मतलब यहाँ की रूपरेखा के बारे में बताया कि भई ऐसा ऐसा होगा और निश्चिंत होकर के आप लोग ये अपनी जो भी शिविर में जो हिस्सा लेंगे, जो भी यहाँ पर क्रिया कार्यक्रम होंगे, उसमें आप सहर्ष दिल से और ऐसा सोचें कि हम प्राकृतिक से जुड़ रहे हैं, इस प्रकार मतलब यहाँ पर आप जुड़ें ताकि आपको अच्छे से अच्छा फ़ायदा हो सके। फिर दूसरे दिन से मतलब जो शिविर स्टार्ट हुआ, वो शिविर स्टार्ट हुआ तो धीरे 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 यहाँ के जो सभी लोग जो जुड़े तो एक परिवार सा लगा हमको। और जैसे यहाँ पर जो क्रियाएं होती, तो स्पेशली मतलब मैं ये बोलूँगा कि यहाँ जो क्रिया जो संघ प्रचालन उसमें जब किया तो ब्लड प्रेशर होने की वजह से मैं नींबू और नमक ये नहीं के बारा कर लेता हूँ। तो उस दिन कहा गया कि आपको 10 गिलास पानी पीना है, 10 गिलास पानी पीना है, तो बड़ा आश्चर्य सा भी लगा। तो 2 गिलास पानी पिलाया, उसके बाद भी कुछ व्यायाम करवाया, व्यायाम करवाने के बाद में फिर 2 गिलास पानी पिलवाया। ऐसे करते करते 6 गिलास में पानी पी चुका था। और इस दौरान मतलब जो हमारे शिविर में सदस्य लोग थे तो धीरे 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 वो लेटरिंग करने, पेट साफ करने के लिए जाना आना चालू हो गया था। अब सचिन सर ने बोला कि भैया अभी तक कोई जो ऐसा कोई सदस्य हो जो एक बार भी नहीं गया हो, तो मैंने हाथ खड़ा करा और मैं नज़दीक गया कि सर मैं तो अभी तक एक बार भी नहीं गया हूँ। अच्छा, इतना बोलते ही मेरे को एकदम से पेट में ऐसा कुछ प्रेशर आया और मैं तुरंत रवाना हो गया। तो धीरे धीरे करते करते मैं ये बोलूँगा कि कम से कम 9 बार मैं चले गया और पानी भी बराबर 10 गिलास मैंने पिया और पेट पूरे साफ हो गया। और उस पीरियड उस समय ऐसा लगा कि काफ़ी वीकनेस ये हो गई, लेकिन वीकनेस होने के बाद फ्रेश वेश होने के बाद में जब हम लोगों ने मेरा नाम सबको मेरा प्रणाम, मेरा नाम राधा गुप्ता है, मैं खंडवा से आई हूँ और मेरे घुटनों में काफ़ी दर्द है। मैंने कई जगह डॉक्टरों से चेक करवा लिया था, जहाँ जहाँ भी अर्थों के डॉक्टर हैं, और सब ने मुझे बताया कि आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद अब सब यही सोच रहे थे कि रिप्लेसमेंट के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, और मेरा वेट भी ज़्यादा है। लेकिन मेरी फ्रेंड यहाँ से गई थी प्राकृतिक चिकित्सा करवा के, और उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि आप वहाँ जाके एक बार प्राकृतिक चिकित्सा करवा लो, उसे भी देख लो। और यहाँ जब मैं आई तब मुझे खंडवा स्टेशन पे व्हीलचेयर में बैठ के ट्रेन में आई, और उसके बाद मैंने यहाँ के ये सोच रही थी कि मेरे से तो कुछ भी होगा नहीं, क्योंकि मैं चेयर के अलावा नीचे बैठ भी नहीं पाती। फिर भी मैं यहाँ के सोचा सबको देखूँगी। लेकिन जब पहला दिन गया, दूसरा दिन, जब तीसरे दिन यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ, जो मुझे शंख प्लाक्षण वगैरह करवाया गया और जो जल पीने के लिए दिया गया, उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा शरीर एकदम फ्री हो गया। और मैं जब नहाने के बाद, उसके बाद ऐसा लगे कि मैं खुद से चलूँ, और मैं खुद से यहाँ चलने लगी हूँ। कम से कम 1-2 किलोमीटर यहाँ अंदर ही अंदर मैं घूम ली, और ज़मीन पे बैठ के मैंने जो भी सचिन सर ने योगा करवाए मैंने वो योगा भी करे, जो नहीं हुए वो 1-2 छोड़ दिए, बाकी योगा भी मैंने किए। और यहाँ का जो सूप वगैरह पीने को दिए गए
उससे भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा और अभी फ़िलहाल मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और जितनी देर में खड़ी होकर ये बता रही हूँ वो भी मेरे लिए खड़े होना नामुमकिन था। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो भी कोई हो, अगर आप अपना इलाज ज़रूर करें, लेकिन एक बार आके यहाँ बुरहानपुर में अपने सचिन सर के यहाँ पे एक बार प्राकृतिक चिकित्सा में अवश्य भाग लें। यहाँ पे डीके भैया हैं, राधा हैं, जो कि सब आने वालों को बहुत अच्छे से देख रेख करते हैं। तो मेरी सबसे विनती यही है कि वो यहाँ आके ज़रूर इसमें भाग लें और प्राकृतिक चिकित्सा का आनंद लें और इसको और आगे बढ़ाए। नमस्ते। इस शहर को हम हरियाली की चूनर पहनाए, नए नए कदमों पर नई नई उम्मीदें, इस शहर को हम